हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर अमेज़ॉन हॉल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ विंटर कलेक्शन एंड साथ ही साथ वेडिंग कलेक्शन, क्योंकि वेडिंग एंड विंटर दोनों ही आ चुके हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक ही हॉल में आप लोगों को विंटर कलेक्शन भी शेयर कर दूँ एंड वेडिंग कलेक्शन भी शेयर कर दूँ। यस, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाके कर दो। एंड आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। इंस्टा की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ विंटर कलेक्शन शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैंने परचेस किया ये नाइट सूट, एंड ये सेट में आता है लोअर एंड हुडी के साथ। तो ये है इसकी हुडी, एंड इसका जो कलर है वो मैंने ब्राउनिश टोन में लिया है। ये डार्क ब्राउन नहीं है, जैसे आपको कैमरे में दिख रहा है वैसे ही कलर आएगा इसका। इसकी जो क्वालिटी है वो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। ये पहनने में इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील होता है। इसका जो साइज़ मैंने परचेस किया है वो एम साइज़ परचेस किया है, तो इसकी जो लेंथ है वो मुझे थोड़ी सी बड़ी ही है, क्योंकि मुझे वो लूज़ वाला फिट चाहिए था, इसलिए मैंने इसको एम साइज़ में परचेस कर लिया। जो फैब्रिक है ना वो फर टाइप का है, इसलिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। एंड यस, ये दोनों मुझे परफेक्ट आते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे इन्हें पहन के। एंड इसका जो प्राइस है वो मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, एंड जो लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इसमें कलर ऑप्शन भी है, एंड नेक्स्ट टाइम मैं इसको दूसरे कलर में भी लेने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो यस, ये था मेरा फर्स्ट परचेज। यस, फिर नेक्स्ट मैंने परचेज किया था ये हाई नेक स्वेटर, एंड इसका जो कलर है ना वो आपको बहुत ही लाइटेस्ट पिंक दिखेगा कैमरे में, बट इसका जो कलर है थोड़ा लिलिका वाले टोन में है, एंड इस पर बहुत ही सुंदर पैटर्न दिया है यहाँ पे। इसकी जो लेंथ है वो इतनी आती है, तो मेरे को इसकी लेंथ से थोड़ा सा इशू है, क्योंकि या तो ये और लॉन्ग होता तो मैं इसे टक कर सकती थी, या फिर ये और क्रॉप होता तो ये क्रॉप ही हो जाता, बट ये ना तो क्रॉप है एंड ना ही इसकी लेंथ फुल लेंथ है। बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है इसको पहनने के बाद भी, एंड कुछ वो वुलन होते हैं ना जो बहुत चुभते हैं, बट ये चुभता बिल्कुल भी नहीं है। हाई नेक की चीज़ें तो मुझे वैसे ही पसंद है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। बस मुझे इसकी लेंथ से ही थोड़ा इशू है, बाकी इसका जो प्राइस है वो मैं आपको स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। एंड साइज़ मैंने इसमें परचेस किया था एस। एस क्वालिटी मुझे इसकी अच्छी लगी, लुक वाइज मुझे थोड़ा सा अच्छा ही लगा। बट अगर आप इसको स्टाइल कर लें तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। तो यस, ये था मेरा सेकंड पीस। एंड देन फिर मैंने कुछ कार्डिगन्स लिए हैं एंड शॉल लिया है, तो वो सारी चीज़ें मैंने अपनी मम्मी के लिए ली थी। पहला कार्डिगन है ये, एंड ये मैंने ना ग्रीन कलर में परचेस किया था, बट ये मेरे को पिंक रिसीव हो गया है, तो मैंने इसको एक्सचेंज पर डाल दिया है। एंड इसमें ना ये ब्लैक एंड पिंक का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसका जो फैब्रिक है ना वो फर वाला है, तो यहाँ पर ये फर भी लगे हुए हैं, एंड अंदर से कुछ इस टाइप का लगता है। एंड ये ना बहुत बहुत ज़्यादा वॉर्म है, इसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी है ना, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट फील होता है जब आप इसे ऐसे पकड़ोगे ना, बहुत ज़्यादा हैवी लगेगा, बट आप इसे जैसे ही पहन लोगे ना बिल्कुल भी हैवी नहीं लगता है, ऐसे लगता है इसे कुछ पहना ही नहीं है आपने, इतना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। एंड मुझे ये भी बहुत अच्छा लग रहा था पहनने में, बट फिर भी मैंने इसको एक्सचेंज कर दिया ग्रीन कलर के साथ, क्योंकि मुझे वो कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एंड यस, इसकी भी ओवरऑल जो क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इसको आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो आई गेस 999 है, एंड उस प्राइस में मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये ना परफेक्ट है अगर आपको बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हैं ना, अभी ये परफेक्ट है अगर आप सिर्फ इसे पहन लोगे ना तो आपको बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगेगी, इतना ज़्यादा वॉर्म है। एंड इसकी लेंथ भी परफेक्ट है, क्योंकि इसको मैंने साइज़ में लिया है आई गेस एम या फिर एल साइज़ में लिया है मैंने इसको, तो ये मुझे लॉन्ग ही होता है, बट मम्मा को परफेक्ट आ जाता है। विंटर्स में अगर आप लोग एक दो कार्डिगन ले लो तो बहुत ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि आप उसी कार्डिगन को ना बहुत तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर मैंने अगेन एक और कार्डिगन लिया था। नेक्स्ट फिर मैंने लिया था ये ब्राउन कलर में, क्योंकि ब्राउन अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, एंड मैं सोचा क्यों ना मैं एक ब्राउन कलर में भी ले लूँ, ये मेरी स्टाइलिंग में बहुत ज़्यादा काम आएगा, इसको मैं सिंपल से टॉप के साथ पहन सकती हूँ।
इसमें भी ना जो पैटर्न है वो इस टाइप का है, पूरे ही कार्डिगन पे इस टाइप का पैटर्न मिल जाएगा। लेंथ इसकी भी मुझे परफेक्ट आती है, क्योंकि इसका भी जो साइज़ मैंने परचेस किया है वो एल साइज़ परचेस किया है, और पहनती मैं एक्स्ट्रा स्मॉल हूँ, बट एल में भी ये मुझे परफेक्ट आया है कि मैंने स्टाइलिंग के पर्पज से लिया है, तो थोड़ा साइज़ भी ऊपर नीचे हो जाता है तो अच्छा लगता है। तो यस, ओवरऑल इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड कलर भी मुझे इसका बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड इसमें आई गेस कलर ऑप्शन है तो आप लोग चेकआउट कर लेना, इसमें अगर कलर ऑप्शन मिल जाए तो आप इसे वाइट कलर में ले सकते हैं, क्रीम कलर में ले सकते हैं। नेक्स्ट हॉल में ना मैं ट्राई करूंगी, मैं काफ़ी सारे कार्डिगन आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि मुझे कार्डिगन्स ना पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, करूँगी। उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट विंटर के लिए लिया था शॉल, वो भी मैंने मम्मी के लिए परचेस किया है। तो ये सी इस टाइप का शॉल है, मल्टी कलर है ये, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये भी। एंड लास्ट में यहाँ पे इस टाइप का पैटर्न दिया है, ये भी वॉर्म है एंड इसकी जो लेंथ है बहुत ज़्यादा सही है, आपको ट्राई ऑन में दिख जाएगी। इसको भी आप ना स्टाइल कर सकते हैं, कंफर्टेबल है, लेंथ मुझे इसकी परफेक्ट लगी है, ज़्यादा लंबा भी नहीं है एंड ज़्यादा छोटा भी नहीं है। अगर आपने कोई बेसिक सा आउटफिट पहना है एंड अगर आप इसको कैरी कर लो तो आउटफिट बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। तो ये शॉल ना पूरी हिमाचल वाली वाइब देता है। क्वालिटी इसकी भी 10/10 है एंड अगर आप इसे स्टाइल करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद वेडिंग के लिए मैंने दो सूट या फिर गाउन्स जो भी आपने बोलना चाहे वो परचेस किए हैं। पहला है ये वाला एंड ये इंडिया से है, ये पर्पल कलर में है बट आपको कैमरे में वो रेड दिख रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट रेडिश या मेहरूनिश कलर दिख रहा है कैमरे में, बट ये पर्पल कलर में है। एंड इसका जो पैटर्न है ना, फ्रंट से स्लिट दी है इसमें एंड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इधर से इस टाइप का पैटर्न आता है इसमें। एंड इसकी जो लेंथ है ना, पूरी फ्लोर लेंथ है एंड मेरी जो हाइट है वो है 5'3", तो मेरे को ये पूरा फ्लोर लेंथ तक आ जाता है। इसका जो साइज़ मैंने परचेस किया है वो एस परचेस किया है एंड इसकी जो क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी डिसेंट लगी। इसका जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि ये एडजस्टेबल है, यहाँ से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसका जो पैटर्न है, यहाँ पे आपको ये गोल्डन फ्लावर टाइप का पैटर्न मिल जाएगा, पूरे ही कुर्ते पर इस टाइप का ही पैटर्न है एंड ये ना सिर्फ आपको एक ही पीस मिलेगा, ये कुछ पहनने को ना सेम पैटर्न में ऐसे ही पैंट भी मिलते हैं इंडिया पे, तो मैं सोच रही हूँ वो मैं नेक्स्ट टाइम परचेस कर लूँगी। ओवरऑल इसकी भी जो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसको भी आप ना जो नॉर्मल सा वेडिंग में बहुत सारे फंक्शंस होते रहते हैं तो आप किसी भी फंक्शन में इसको पहन सकते हैं, पूजा में पहन सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा लगेगा, स्टाइल भी है एंड पहनने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सुंदर लगता है अगर आप इसे स्टाइल कर लो, हल्के से झुमके पहन लो गोल्डन कलर के, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये। नेक्स्ट ये है गाउन या फिर आप इसे सूट जो भी आप बोलना चाहें, तो फ्रंट में आपको ये सीक्वेंस का वर्क मिल जाएगा, यहाँ पे ये बहुत ही ग्लिटरी एंड शिमा वाइब देता है, बट उसके बाद ना ये पूरा सिंपल है, पूरे ही गाउन पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सिंपल है, बैक में भी सिंपल है, ये सीक्वेंस का वर्क दिया है ना उसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। एंड इसको ना आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं देने पड़ेंगे इसको पहनने के लिए, मतलब आप ज्वेलरी क्या पहनो, इयररिंग्स क्या पहनो, आप इसके साथ ना कुछ भी मत पहनो, सिंपल एक चेन पहन लो, पेंडेंट पहन लो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा ये। एंड इसके साथ ये जो दुपट्टा है ना, ये स्टेज्ड है इसी में एंड इसकी जो लेंथ है ना बिल्कुल नीचे तक आती है, स्टेज्ड है इसमें ही, तो अगर आपको इधर से हटाना है इसको तो आपको इसकी सिलाई खोलनी होगी एंड यहाँ पे भी ये स्टेज्ड है यहाँ से एंड यहाँ से स्टिच करके दिया है इन लोगों ने, तो जो दुपट्टे संभालने में बिल्कुल अच्छे नहीं है ना उनके लिए परफेक्ट है। एंड मेरी हाइट 5'3" है तो मुझे पूरा नीचे तक आ जाता है। एंड वन मोर थिंग कि इसमें आपको ना बेल्ट मिल जाएगा, जैसा सीक्वेंस वर्क यहाँ फ्रंट में है ना वैसे ही ये बेल्ट है,
तो अगर आपको लूज़ है तो अगर आप इस बेल्ट को टाई कर लोगे तो बहुत ही अच्छा फिटिंग आ जाएगा। एंड इसको मैं बहुत ही जल्दी पहनूंगी एंड आप लोगों के साथ शॉर्ट्स में ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि वेडिंग है एंड मुझे वो अटेंड करनी है। तो मैं सोचा इसको ही पहन के जाऊंगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है एंड मुझे एफर्ट भी नहीं देने पड़ेंगे स्टाइल करने के लिए। लास्ट पीस जो मैंने इस बार अमेज़ॉन से परचेज़ किया एंड नेक्स्ट हॉल में मैं आप लोगों के साथ और भी चीज़ें शेयर करूंगी। आप मुझे प्लीज़ प्लीज़ लिंक वगैरह दे देना अगर किसी के पास है तो। एंड यस, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो आज का वीडियो, कुछ हेल्पफुल रहा हो। एंड यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।